ये देखिए दोस्तों, अपन एक डिजाइनर कुर्ती काट रहे हैं, उसकी लंबाई है 44, लंबाई है 44, 40 सीना, 36 कमर, ओके। ये देखिए आप, ठीक है, ये आपका ये हो गया, और इसकी हिप्स है 42, हिप्स है 42, ठीक है दोस्तों। ये अपना नाप रहेगा, और इसके शोल्डर है 15 इंची, आपको आया समझ में, ये देखिए आप, ठीक है। अब मैं इसको काटूंगी, आप देखिए, ये देखिए, अब मैं यहाँ से है ना इसका सीधा इक्वल निशान लगा लूंगी, ये देखिए इक्वल मैंने सीधा निशान लगाया, ये पूरा ये सीधा लगाया है, और ये वाली साइड अपनी इस साइड रहती है, और बंद वाली साइड मेरी साइड रहती है, ओके दोस्तों, याद रखना। अपने शोल्डर कितने थे, 15 इंची, अब 15 इंची के 15 इंची ले लेंगे अपन, क्योंकि ये थोड़ी अपन डिजाइनर कुर्ती बना रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ से 15 इंची मैंने ये ले लिए शोल्डर, वो सॉरी 15 का हाफ ले लिए 7.5, और 6.5 इंची पे अपन ने ये निशान लगा लिया, ठीक है। और ये वाला अपन ने शोल्डर ले लिए, ये ले लिया अपन ने, यहाँ भी अपन ने 7 इंची ये ले लिया, हाफ घटा के चलना है इसको, जैसे आप ये लगाओगे 7.5 पे यहाँ लगाओगे, फिर उसके बाद 7 इंची पे यहाँ लगाओगे, ठीक है दोस्तों। अपन इसको सीधा करेंगे, एकदम इक्वल करेंगे, बिल्कुल इक्वल सीधा करना है अपन को, देखो, और इसको भी अपन सीधा कर लेंगे, ये 7 इंची वाला सीधा करेंगे, ये वाला 7 इंची वाला सीधा करेंगे, ना कि 7.5 वाला, ठीक है। अपना यहाँ से कमर का निशान कितने से आएगा, 15 इंची से अपना कमर का निशान आएगा, ये 15 इंची से अपना कमर का निशान आ गया, और हिप्स का निशान आएगा अपना 22 इंची से, ठीक है दोस्तों, ये आ गया 22 इंची से, यहाँ से नापते है 22 इंची, ठीक है, और यहीं से कमर का निशान लगता है, यहीं से हिप्स का निशान लगता है, ठीक है दोस्तों। अपन इसकी लंबाई नाप लेते हैं, अपनी लंबाई है 44 इंची, तो अपन ये अस्तर काट रहे हैं, तो अस्तर तो छोटा डलता है, तो अपन इसको 40 काटेंगे, ठीक है, 40 इंची अपन इसको काट लेंगे यहाँ से, 40 ये काट के, अब ये है ना, अपन ये वाला फिटिंग वाला निशान लगा लेंगे, अपनी 40 थी, क्या थी, सीना 40 था, तो चौथाई भाग में अपना कितना हुआ, 10 इंची, 4 जगह बांटने के बाद नहीं भी समझ में आता है, तो अपन क्या करते हैं, ऐसे इंची टेप उठाया अपन ने, ऐसे करके, ऐसे ये इंची टेप उठाया, ऐसे 40 पे ऐसे किया अपन ने, ऐसे और ऐसे किया, ठीक है, और ऐसे कर लिया, तो 4 भागों में बांट दिया, तो कितना हुआ, 10 इंची आया अपना, ठीक है। अब 10 पे अपन यहाँ निशान लगा देंगे, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ 10 पे मैं निशान लगा दूंगी, ये देखिए, ये 10 इंची पे मेरा यहाँ निशान आ गया। अब कमर अपनी कितनी थी, 36 इंची, ऐसे ही अपन ने 36 इंची थी ना, तो ऐसे ही 4 भाग में ये भी बांटनी है, 4 भाग में ये बांटेंगे तो कितनी आएगी दोस्तों, 9 इंची, तो 9 इंची का अपन यहाँ निशान लगा देंगे, ये 9 इंची का निशान लगा दिया, और 42 इंची हिप थी अपनी, तो 42 का अपना कितना हुआ, चौथाई भाग में 40 से 10 आ रहा है, तो 42 से कितना हुआ, 10.5, 10.5 हो गया, अपन 10.5 में यहाँ निशान लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। ये 10.5 पे निशान लगा दिया, और 10.5 में ही यहाँ लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट कुर्ती बनेगी अपनी, ठीक है दोस्तों। अपन को सीधा करेंगे एकदम, ये देखिए आप, इनको अपन ने बिल्कुल सीधा कर लिया है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे सीधा करके तीनों निशान अपन ने ये सीधे कर लिए। अब इसको भी सीधा करेंगे, ये देखिए आप, इसको भी अपन इक्वल कर लेंगे सीधा, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है दोस्तों। और ये वाला निशान इस वाले निशान से इस वाले निशान में मिलाएंगे, इस वाले निशान से इस वाले निशान, और ये वाला निशान यहाँ मिलाएंगे, ठीक है दोस्तों। देखो मैं मिला रही हूँ, ये यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ ये मिला दिया, और ये वाला मैंने इसमें मिला दिया, ठीक है, ऐसे ही मिलाना है आपको। ये अपना पूरा कुर्ती का निशान लग गया। अपन इसमें 2 इंची का मैं मार्जिन लेके चलती हूँ, आप चाहो तो कितना भी ले सकते हो, मैं तो 2 इंची का लेती हूँ, ठीक है दोस्तों। ये मैंने 2 इंची का मार्जिन ले लिया इसमें, ये देखिए आप,
या तो मैं इतना ही लूंगी एक स्केल की बराबर, और ऊपर मैंने ज्यादा लिया है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपना, ये हिप वाला निशान हो गया, ये कमर वाला, और ये अपने सीने का। ओके दोस्तों, और यहाँ से अपन लगाएंगे, ये देखिए ये 3 इंची पे मैंने यहाँ से निशान लगा दिया। ठीक है दोस्तों, 3 इंची पे ये निशान लगा दिया, क्योंकि अपन इसमें डिजाइनर कुर्ती बना रहे हैं तो अपन छोटा गला बनाएंगे पीछे से, बिल्कुल ना कि 2 इंची का या 3 इंची का। ठीक है दोस्तों, और है ना ये वाला निशान, ये देखिए आप, ये मैं हमेशा 1 इंची से लगाती हूँ। ये देखिए आप, 1 इंची से मैंने यहाँ से ये यहाँ से और यहाँ से 1 इंची का अपना ये निशान आ जाएगा। ये राउंड कर दूंगी मैं गुलाई में ऐसे। ये देखिए आ गया आपको समझ में पूरा। ये देखिए, आपको अगर पूरा नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बता सकते हो दोस्तों। ये देखिए आप, पूरा दिख रहा है यहाँ से वहां तक। ओके दोस्तों, अब अपन इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा अपन यहाँ से झुका देंगे हल्का सा। ये देखिए अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूंगी और इसमें एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई दोस्तों, ये यहाँ से अपना ये पलटेगा। ठीक है, तो अपन ये वाला भी निशान लगा लेंगे इक्वल करके, क्योंकि अंदर के लिए फोल्ड भी तो करना है अपन को ये। तो अपन कहाँ कहाँ गुटके लगाएंगे इसमें, एक तो अपन ने यहाँ लगाना है गुटका, ये यहाँ फिटिंग वाला। ठीक है दोस्तों, एक गले वाला 3 इंची पे अपन ने गला लगाया था उसका लगाना है, और एक अपन को यहाँ लगाना है कमर वाला, एक हिप वाला, और एक ये नीचे से फोल्ड करेंगे वो वाला। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो दोस्तों। अब ये अपना आगे का कट गया, अपन पीछे का और काटेंगे इसमें से। देखिए अब ये मैं पीछे का पूरा ये वाला ऐसे ही रख के पूरा काट लूंगी। ये देखिए, इसमें मुझे कुछ नहीं करना। ये देखिए आप, इसको मैंने ऐसे रखा, इसको ऐसे रख के पूरा ऐसे करके इस पे निशान लगा देंगे। ये मैंने यहाँ से निशान लगा दिया और ये यहाँ से निशान लगा दिया, और ये वाला ये मैंने 1 इंची पे लगाया था, अब ये अपना हो जाएगा 1.5 इंची का। ठीक है दोस्तों, ये वाला अपना 1.5 इंची का हो जाएगा पीछे वाला। देखिए ये अपना लग गया निशान, अब अपन इसको पीछे वाले भाग को भी ऐसे ही काट लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इक्वल रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आई अपन को ऐसे। ये देखिए अब मैं इसको भी ऐसे ही काट लू। मैंने ऐसे काट लिया, अब इसको भी अपन ऐसे ही निशान लगा देंगे, इसी के निशान उठाते हुए इस पे निशान लगा देंगे, इस पे यहाँ भी लगा देंगे, और इसको भी लगा देंगे कमर वाले को।
वही वाले निशान उठाते हुए अपन इस पे भी निशान लगा देंगे। और है ना, ये अपन अब क्या करेंगे इसमें, ये देखिए दोस्तों, ये वाला पार्ट है, थोड़ा सा अपन और गड्ढा दे देंगे इसमें हल्का सा ऐसे करके। ले दिया, आपको दिख रहा है, अब ये अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन मेन फैब्रिक काटेंगे, ठीक है दोस्तों, अब अपन मेन फैब्रिक काटेंगे इसका। मैंने काफी वीडियो डालती रहती हूँ, उसकी भी डालती रहती हूँ ब्लाउजो की, और आपको जो भी वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो दोस्तों। ये अपनी तीन कलर में साड़ी है, तो अपन क्या करेंगे, ये ना ये वाला बीच का पोर्शन लेंगे अपन इसमें, ठीक है। ये देखिए, ये कपड़ा अपना तीन कलर में है, ये देखिए अपन ऐसे रख के इक्वल इसको बीच का सेंटर करते हुए ऐसे इस्त्री करते हुए बिल्कुल ऐसे करके इक्वल बिल्कुल ऐसे प्रेस लगाते हुए अपन बिल्कुल ऐसे प्रेस लगा लेंगे बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, अब इसको उठाएंगे ऐसे और इसको अलग रखेंगे और इसको ऐसे करके ऐसे रख देंगे, ऐसे रख के और इस पे निशान लगाते हुए 44 इंची का ऐसे करके। ये देखिए आप, 44 इंची अपना यहाँ आ रहा है दोस्तों। ये देखिए आप, ये 44 इंची का यहाँ निशान लगाते हुए ऐसे बिल्कुल सीधा करके ऐसे, ये अपन यहाँ से बिल्कुल एक बल सीधा कर लेंगे यहाँ से, और ये वाला मोड़ने के लिए एक स्केल के बराबर निशान लगा लेंगे। ये वाला अपना मोड़ने के लिए हो गया, अंदर के लिए मोड़ने के लिए ये अपना पूरा तैयार नाप है यहाँ से, और इसको अपन सीधा कर लेंगे यहाँ से इसके बराबर, ठीक है दोस्तों, आया समझ में। ये देखिए, अब यहाँ से मैं सीधा इसको काटते हुए ला रही हूँ। ये देखिए, ये अपना कट गया, ये इसको अपन ऐसे करके बिल्कुल ऐसे रख देंगे और इसको अपन हटा देंगे, ये अपना कोई काम का नहीं है, इसको अपन हटा देंगे। अब इसको ऐसे ही उठाते हुए ऐसे ही ले जाएंगे कपड़े को ऐसे ही, और ऐसे करके इसको ऐसे सीधा ही रख देंगे ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही सीधा रखना है, कोई इसमें ऊपर नीचे नहीं करना, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही रखना है इक्वल ऐसे ही बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, ऐसे ही रखना है अपन को, इस पे अपन प्रेस लगा लेंगे ऐसे, क्लिच बना लेंगे बीच वाली ऐसे करके, क्योंकि क्लिच बनाना बहुत जरूरी रहता है दोस्तों, क्योंकि अपन सिलाई लगाते हैं तो बीच सेंटर की तो कोई दिक्कत नहीं आती अपन को। ये देखिए आप, ऐसे करके क्लिच लगा ली अपन ने, अब इसको उठाएंगे पीछे वाले पार्ट को और ऐसे रख के ऐसे ही, कुछ नहीं करना, ऐसे ही रख के सेम ऐसे ही रख के, और अपन ये वाला भी निशान 44 इंची से लगा लेंगे ऐसे ही। ये देखिए, ये मैंने 44 इंची से ये निशान लगाया है यहाँ से, और एक ये इसको अपन सीधा कर लेंगे ऐसे ही, जैसे उसको सीधा किया, ठीक है दोस्तों, इसको बिल्कुल सीधा करना है इक्वल। ये देखिए ऐसे, और इसको ऐसे उठाया और ऐसे रखा और इतना ही मार्जिन अपन इसमें ले लेंगे और इसको भी सीधा कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब इसको भी अपन काट देंगे, ये देखिए यहाँ से मैं काटते हुए ला रही हूँ यहाँ से, ये देखिए
मैं ये काटते हुए ले आऊंगी ये वाला यहाँ तक। ये देखिए ये मैंने काट दिया। ठीक है दोस्तों, आया कुछ समझ में? ये देखिए आगे पीछे का अपना कलर कट गया है। ये देखिए दोस्तों, ये आगे का कट गया, ये पीछे का कट गया है ये वाला, और ये वाला आगे का कट गया है। आपको कैसा लगा कटिंग, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो दोस्तों। ये देखिए आप, और काफी नए नए ब्लाउजों की डिजाइन भी डाल रही हूँ मैं ब्लाउजों के, वो भी आप देखना मेरे यूट्यूब चैनल पे आके। ये देखिए आप, अब इसकी मैं बाजू और काट देती हूँ, बाजू और बता देती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, अपन 16 इंची की इसमें से बाजू काटेंगे। ये देखिए आप, ये 16 इंची यहाँ आ गया, और बाकी का अपन मार्जिन ले लेंगे एक इसके अंदर के। ऐसे आपको नहीं समझ में आता तो ऐसे करके ऐसे निशान लगा दिया करो, ठीक है? ये अपना मार्जिन आ गया, और है ना यहाँ से 3 इंची से यहाँ से ऐसे लगा के, और 3 ही यहाँ से लगा के ऐसे, और इसमें अपन राउंड दे देंगे यहाँ से कितने इंची से, ये अपन 3 इंची से राउंड देते हैं इसमें, ये ऐसे करके ये 3 इंची से अपन राउंड दे दिया। अपनी मोरी है 10 इंची, तो 10 इंची का यहाँ लगा देंगे, और इसको अपन काट लेंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे करके ऐसे काटते हुए बिल्कुल अपन ले जाएंगे इसे। ये आ गई 16 इंची, यहाँ अपन ने कट लगा दिया, और ये अपनी मोरी है यहाँ 10 इंची पे, ये अपना फोल्ड हो जाएगा अंदर के लिए, और ये अपना ये वाला है ना ये पोर्शन, ये देखिए आप, ये अपना थोड़ा सा, ये देखिए 8.5 इंची अपना वो है मुट्ठा, तो ये अपना यहाँ आ गया 8.5 इंची पे, यहाँ भी अपन कट लगा देंगे, और ये भी वाला भी कट लगा देंगे सेंटर वाला। ये देखिए दोस्तों, अपनी ये बाजू कट गई है, ठीक है? अपन यहाँ से ऐसे थोड़ा सा इसमें राउंड दे देंगे। ये देखिए मैं देती हूँ, जैसे आप इसमें भी आप बाजू में राउंड दे सकते हो। ये देखिए मैंने दे दिया राउंड, ये देखिए ये मैंने राउंड दे दिया है इसमें। ये अपनी बाजू भी कट गई है, ठीक है दोस्तों? ये अपना पूरा कुर्ता कट गया, और ये बाजू कट गई है। आप बताना मुझे कमेंट में आपको कटिंग कैसी लगी दोस्तों।